अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने जेल भेज दिया है। आजम खान के ऊपर 88 FIR दर्ज है, जिनमें कई शारीरिक मामले हैं। इसके साथ भैंस चोरी, मूर्ति चोरी, बकरी चोरी और किताब चोरी जैसे मुकदमे दर्ज हैं। सरकार ने उन्हें भू माफिया तक घोषित कर दिया है। उनके मामले की अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होगी। आइए आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि आजम खान को परिवार समेत जेल जाना पड़ा। दरअसल 2017 की विधानसभा चुनाव में रामपुर के स्वार जिले से अब्दुल्ला आजम ने भी चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, और यहीं से उनके मुश्किलों की शुरुआत हुई। बता दें, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ BSP के नवाब काजी मलिक खान ने चुनाव आयोग में अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला आजम खान की उम्र उतनी नहीं है कि वह चुनाव लड़ सके, लेकिन फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए अब्दुल्ला आजम ने अपनी उम्र 25 साल दिखाई है। वहीं BJP लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्र संयोजक आकाश सक्सेना ने रामपुर के ही एक थाने में FIR दर्ज कराते हुए कहा था कि उनके पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर से बनवाया गया है और दूसरा लखनऊ से बनवाया गया है। आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र के लिए उनके पिता और माता दोनों ने ही गलत जानकारियां दाखिल की थी। उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी और फिर 2019 में इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। फिर मामला MP MLA कोर्ट पहुंचा। सुनवाई की तारीख देने के बावजूद आजम खान और उनका परिवार कोर्ट में एक बार भी हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने इनके खिलाफ पहले जमानती वारंट जारी किया, फिर उसे बदलकर गैर जमानती वारंट जारी किया, और फिर भी आजम खान और उनका परिवार कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। ये देखते हुए आखिरकार कोर्ट ने बीते मंगलवार को इनके कुर्की का वारंट जारी किया। अभी पुलिस कुर्की करती ही, उससे पहले ही आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और फिर कोर्ट ने तीनों को 2 मार्च तक के लिए तुरंत ही जेल भेज दिया। बता दें, अब्दुल्ला आजम की विधायकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर 2019 में ही रद्द कर दी थी। 72 वर्षीय आजम खान और उनकी पत्नी BP और शुगर जैसी बीमारी से ग्रस्त है। वही कानून व्यवस्था को देखते हुए 27 फरवरी 2020 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट के आदेश अनुसार रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट कराया गया। आपको बता दें, आज आजम खान की रामपुर कोर्ट में पेशी है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आजम खान को सीतापुर से रामपुर कोर्ट के लिए ले जाया गया। रामपुर की ADG 6 कोर्ट में आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल आजम की पेशी है, जिसमें कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च की दी और कहा कि अगली सुनवाई तक आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल आजम जेल में ही रहेंगे। जेल से बाहर आते ही आजम खान ने कहा, मेरे साथ आतंकवादियों वाला व्यवहार हो रहा है। इस सरकार में मेरे साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार हुआ और ये बहुत ही दुखदाई है। वही एक हैरत करने वाली वीडियो सामने आई है। वीडियो में आजम खान, जो कि इस वक्त अपराधी है और जेल जा रहे हैं, उनके सामने एक पुलिस अधिकारी उन्हें सिर झुका के विश कर रहा है। आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे पुलिस अधिकारी जेल के सामने खड़े होकर एक अपराधी को सिर झुका के सम्मान देते हुए विश कर रहा है। ऐसे में आजम खान का ये बयान कि उनके साथ जेल में आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है, ये कितना सच है आपको अब पता चल ही गया होगा कि भरे लोगों और मीडिया के सामने एक पुलिस अधिकारी उन्हें सिर झुका के सम्मान दे रहा है, तब आप समझ ही सकते हैं कि उनके साथ जेल में कैसा व्यवहार हो रहा होगा। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।